त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले ही हम साइन साइन थीटा कोसाइन कॉस थीटा एवं टेंजेंट टेन थीटा जैसे त्रिकोणमितीय फलन से मिल चुके हैं। ये फलन प्रायः त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं क्योंकि उन्हें एक समकोणीय त्रिभुज के दोनों भुजाओं के लंबाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। दर्शाए अनुसार एक समकोण त्रिभुज एबीसी लेते हैं, यहाँ कोण सीएबी का न्यून कोण है। कोण ए के संदर्भ में भुजा बीसी की स्थिति पर ध्यान दें, यह कोण ए के सम्मुख है। हम इसे कोण ए के विपरीत भुजा कहते हैं एवं एसी समकोण त्रिकोण का कर्ण है एवं भुजा एबी कोण ए का एक भाग है, अतः हम इसे कोण ए से संलग्न भुजा कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी के कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपातों को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। कोण ए का साइन बराबर बीसी बटा एसी, कोण ए का कोसाइन बराबर एबी बटा एसी, कोण ए का टेंजेंट बराबर बीसी बटा एबी, कोण ए का कोसिकेंट बराबर एक बटा कोण ए का साइन बराबर एसी बटा बीसी, कोण ए का सीकेंट बराबर एक बटा कोण ए का कोसाइन बराबर एसी बटा एबी, कोण ए का कोटेंजेंट बराबर एक बटा कोण ए का टेंजेंट बराबर एबी बटा बीसी। उपरोक्त अनुपातों के लघु रूप क्रमशः साइन ए कॉस ए टैन ए कोसेक ए सेक ए एवं कॉट ए हैं एवं अनुपात कोसेक ए सेक ए तथा कॉट ए क्रमशः साइन ए कॉस ए तथा टैन ए के व्युत्क्रम हैं। उपरोक्त अनुपातों से हम देखते हैं कि टैन ए बराबर बीसी बटा एबी बराबर बीसी बटा एसी विभाजित एबी बटा एसी बराबर साइन ए बटा कॉस ए एवं कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए। टिप्पणी, यदि कोण अपरिवर्तित रहे तो किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान त्रिभुज के भुजाओं के लंबाई के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। टिप्पणी, हम साइन ए वर्ग कॉस ए वर्ग इत्यादि के स्थान पर साइन ए वर्ग कॉस ए वर्ग आदि लिख सकते हैं। ग्रीक अक्षर थीटा का उपयोग एक कोण को दर्शाने के लिए होता है।